स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन जो है हमारा टॉपिक वो स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियोस थी नाउन के ऊपर, ये वाली वीडियो जो है अब ये प्रोनाउन के ऊपर है। हम सारा इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रोनाउन का, प्रोनाउन के टाइप्स देखेंगे और फिर आगे आने वाली वीडियोस में हम प्रोनाउन से रिलेटेड सारे रूल्स देखेंगे जो कि हमें एरर डिटेक्शन में एग्जाम्स के अंदर IBPS CGL जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में हमारी हेल्प करेगा। इनके मेन चीज़ क्या होती है, इनके रूल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमें नहीं पता होते हैं। तो इस वीडियो में हम वो सारे रूल्स और आगे आने वाली वीडियो में हम सारे रूल्स देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको यूज़ आ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउन, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली प्रोनाउन होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितने तरीके के होते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे और ये सारी चीज़ें हम इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम इससे रिलेटेड हर एक प्रोनाउन से रिलेटेड हम कुछ रूल्स देखेंगे जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस। प्रोनाउन होता क्या है, अगर हम देखें तो प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाउन तो होती है संज्ञा और प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में देखें कि जो वर्ड हम नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन हो गई एक प्रोनाउन की कि प्रोनाउन क्या होता है, इसका यूज किस लिए होता है। इसका यूज होता है कि बार बार नाउन का रिपीटेशन एक सेंटेंस के अंदर ना हो, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। मतलब कि बार बार अगर हम नाउन को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा ऑड लगने लग जाता है। तो उसी रेपिटेशन को मतलब कि इग्नोर करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं टोटल 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक, इनडेफिनेट, रिलेटिव एंड इंटरोगेटिव। अब इन सभी प्रोनाउंस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे और इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो, सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब आपको व्यक्तिवाचक से क्या समझ में आ रहा है, व्यक्तिवाचक का मतलब होता है कि वो प्रोनाउन जो कि डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पर्सन को या किसी भी थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। किसी भी पर्सन को या थिंग को रिप्रेजेंट जो भी प्रोनाउंस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आई, मी, ही, शी, इट, दे, देम, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उनको हम थ्री टाइप्स में, थ्री ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। थ्री ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इन तीन में हम इसे क्लासिफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, वो सेल्फ को मतलब कि रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा सेल्फ को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यहाँ पे आई, मी, माय, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ये सिंगुलर और प्लूरल में हमने इसे डिवाइड किया है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हमेशा सेल्फ को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा किसे रिप्रेजेंट करता है, उस व्यक्ति को जिससे बात की जा रही है। किसे, जिस व्यक्ति से बात की जा रही है, मतलब जिस पर्सन से बात की जा रही है उसे हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल, यू, यू, योर, योर्स। आई तो हमारे लिए यूज हो गया सेल्फ के लिए, सेकेंड पर्सन हो गया टू द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमेशा किसी थर्ड पर्सन को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए ही, शी, इट, दे, वी जैसे प्रोनाउंस हम यूज करते हैं और प्लूरल में हम दे, देम, देयर, देयर्स जैसे प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया है कि इसके तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसके लिए था, थर्ड पर्सन के लिए ही था जिसमें किसी और इंसान के बारे में बात की जा रही होती है, तो उसे हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं।
तो जैसे एग्जाम्पल में देखिए, दे का एग्जाम्पल देख लो कि दे आर चिल्ड्रन, वो बच्चे हैं, तो हम यहाँ पे दूसरे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है। ये क्लियर हो गया हमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं, ये किस लिए स्टैंड करते हैं, ये किसी भी पर्सन और थिंग के लिए स्टैंड करते हैं। तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आगे बढ़ते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की तरफ। अब पोजेसिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन्स होते हैं? ये वो प्रोनाउन्स होते हैं जिसके अंदर हम अपना पोजेशन, हमारी ओनरशिप शो करते हैं, उन प्रोनाउन्स को हम पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। इसमें आप अपना पोजेशन, अपना जो स्वयं के लिए भाव है, वो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हो कि उस चीज़ पे आपकी ओनरशिप है। तो माइन मतलब ये चीज़ मेरी है, देयर ये उनकी है, हिज हर, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो सिंपल से एग्जाम्पल देख सकते हैं कि दिस इज माई हाउस। अब यहाँ पे वो अपना पोजेशन शो कर रहा है कि ये मेरा घर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हिंदी में हम इन्हें निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं वैसे। और निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? इस तरीके के प्रोनाउंस में हम क्या करते हैं, जनरली दिस दैट, इस तरीके के प्रोनाउंस यूज करते हैं, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो वो हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से पता चलता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस। ये आ गया हमें समझ में। इसका एग्जाम्पल देखें, दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह है, तो दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। सो जो दिस प्रोनाउन है, यूज्ड फॉर नाउन्स एट पॉइंट समथिंग और समवन। अब यहाँ पे हम एक बुक की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो किताब है ये मेरी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो यूज किए हैं। फोर्थ की तरफ देख बढ़ते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? हिंदी में हम इसे बोलते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। और इन प्रोनाउन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में बेसिकली यही होता है कि ये जो प्रोनाउन होते हैं ये जिस भी पर्सन को या जिस भी थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सो वो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध कराता है, इससे ज्यादा का नहीं कराता, जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन। तो यहाँ पे सिर्फ एक की ही बात होगी, एक ही पर्सन की, एक ही थिंग की बात होगी, तब हम ये वाले प्रोनाउंस जो है वो यूज करते हैं। जैसे आइदर का होता है या तो ये, हम एक की ही बात कर रहे हैं, नाइदर ना तो, अगर ये नहीं है तो वो भी नहीं है। इस तरीके से जब हम कोई भी पर्सन या थिंग की बात कर रहे हैं, टेकन वन एट अ टाइम, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में यही खासियत होती है कि ये क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं दो या दो से ज्यादा लोगों को। सो जो भी एक्शन कैरी आउट किया जा रहा है किसी भी तरीके का, तो उसके जो भी बेनिफिट्स होंगे या उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो साइमल्टेनियस होंगे। इसकी ये बात है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस सिर्फ यही दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। यही दो प्रोनाउंस होते हैं जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में यूज होते हैं। जब आपको दो लोगों को रेफर करना है तो आप ईच अदर यूज करेंगे, और जब आपको दो से ज्यादा लोगों को रेफर करना है तो आप वन अनदर यूज करेंगे। तो हमने देखा कि ये रेसिप्रोकल नाउन था। इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मारिया एंड जुआन गेव ईच अदर गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग। मारिया एंड जुआन गेव ईच अदर गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग डे। अब यहां पे उन्होंने क्या किया, मारिया ने और जुआन ने क्या किया, एक दूसरे को गोल्ड रिंग्स दी। तो एक्शन क्या था, गोल्ड रिंग्स देना, दोनों को मिली, तो जो एक्शन था वो दोनों पे रिजल्ट आया उसका कि दोनों को एक एक रिंग मिली। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बेसिकली ये होता है कि व्हेन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब कि जैसे इसमें एग्जांपल्स देखिए आप, माई सेल्फ्स, आर सेल्फ्स। कोई भी एक्शन जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप वो खुद के लिए ही कर रहे हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम सिंपल बोलें कि आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम अपने आप कर लूँगा, खुद करूँगा। तो यहाँ पे जो एक्शन था, जो भी काम करने का, उसने बोला कि वो खुद करेगा। तो यहाँ पे एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। रिफ्लेक्सिव आप समझ ही सकते हैं, वर्ड में ही हमें समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में यूज़ करते हैं, योरसेल्फ, योरसेल्फ्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ्स एंड वनसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं हम एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। अब एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस क्या होते हैं? इन प्रोनाउंस का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन या फिर उसके सब्जेक्ट पर जोर देना होता है, उसके बारे में स्पेशली हमें बताना होता है, तब हम एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के ऊपर यूजुअली अगर सारे एक्शन का इफेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे हम एम्फेटिक प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे, जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, इन सभी का प्रयोग हम तब करेंगे। सो एग्जाम्पल देखें हम यहाँ पे, सो यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हैं। तो हमने यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ किया यू के ऊपर दबाव देने के लिए या जोर देने के लिए कि आप ही आपकी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स इन वेग और जनरल मीनिंग। मतलब जब हम किसी भी पर्टिक्युलर पर्सन या पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरली बात कर रहे हैं किसी के बारे में, तो हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि एनी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीबॉडी, इसमें हम किसी पर्टिक्युलर इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जब हमें किसी भी दो क्लॉजेज के बीच में रिलेशन बताना है तो हम एक कॉमन वर्ड शेयर करते हैं, और वो कॉमन वर्ड होता है हु, हुम, हुज, विच, दैट। इस तरीके के जब प्रोनाउंस हम यूज करते हैं तो हम उन दो क्लॉजेस के बीच में रिलेशन बताते हैं, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये लास्ट प्रोनाउन है, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक, जिससे भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी प्रोनाउंस आप क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर रहे हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, जैसे कि हु, हुम, हुज एंड विच, व्हाट भी होता है। इस तरीके के प्रोनाउंस जब हम यूज करते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए तो उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, जैसे हु आर यू, आप कौन हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। इस तरीके के प्रोनाउंस जब हम यूज़ करते हैं तो वो हम क्वेश्चंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक सिंपल वीडियो था जिसमें हमने एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखा प्रोनाउंस से रिलेटेड, कि कितने तरीके के प्रोनाउंस होते हैं, क्या क्या उनके एग्जाम्पल्स होते हैं, कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं, ये हमने इस वीडियो के अंदर देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड सारे की सारे रूल्स देखेंगे कि इनके जो यूजेज हैं, पर्सनल प्रोनाउन का यूजेज, आगे जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के यूजेस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूजेस, इनके सेंटेंस में यूजेस के लिए क्या रूल्स बने हुए हैं जो कि एरर डिटेक्शन में हमें काम आते हैं। अगर हमें वो रूल्स नहीं पता और वो रूल उस सेंटेंस के अंदर अप्लाई नहीं कर रखा है तो उसमें पक्का एरर होगा जो कि आपको डिटेक्ट करना होगा। तो यही हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउन। थैंक यू।